नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल वॉकिंग डुओ पे। आज हम फिर से हाजिर हैं और एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में भी आपको नाइट व्यू दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों वैसे तो नाइट व्यू बहुत ही अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, नाइट व्यू का आनंद लेने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है, यानी कि 16 मिनट की है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों VSS चौक से, और एंड कहां तक करेंगे वो भी आपको बता देते हैं। एंड दोस्तों होगा स्टैचू, जो कि एयरपोर्ट के पास है दोस्तों, राउरकेला एयरपोर्ट के पास, वहीं पर एंड होगा। और उसके मिडिल में दोस्तों हम लोग हॉकी स्टेडियम भी जाएंगे, और अंदर का व्यू भी आपको दिखाएंगे दोस्तों, स्टेडियम में कैसे अभी क्या क्या काम हो चुका है और कहां तक बाकी है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, ये यकीन के साथ हम बोल रहे हैं दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग उस व्यू को देखने के लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं जर्नी, और आप देख लीजिए रात का नज़ारा। ये VSS चौक वहीं से स्टार्ट कर चुके हैं, और दोस्तों ये VSS मार्केट अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद देखिए नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये रोड भी कुछ कम नहीं है दोस्तों। और दोस्तों अब ये पहुंच गए हैं हम लोग कनक मंजरी फार्मास्यूटिकल कॉलेज। यहां से हम लोग राइट टर्न करके चलेंगे बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम की ओर। देखिए दोस्तों इधर का नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत। थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन दोस्तों यहां पे भी लाइटिंग लग जाएगा बहुत जल्दी दोस्तों। तो अभी के लिए दोस्तों यहां पे थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है आपको, लेकिन बाद में ये लाइटिंग ऐसे होगा दोस्तों कि इसका नज़ारा भी बहुत ही अच्छा लगेगा। आप दोस्तों देखिए ये स्टेडियम की बाउंड्री स्टार्ट हो गया है दोस्तों। स्टैचू तक तो पहुंचेंगे, लेकिन दोस्तों ये यहाँ पे जो स्टेडियम है, स्टेडियम के अंदर की ओर भी जाके थोड़ा आपको स्टेडियम का नज़ारा भी दिखा देते हैं। ये थोड़ा बाहर का व्यू आप देख लीजिए। अब अंदर दोस्तों एंट्री करते हैं, देखते हैं कि स्टेडियम में कहाँ तक काम हुआ है। दोस्तों अभी हम फाइनली स्टेडियम के अंदर पहुंच चुके हैं, और यहाँ का नज़ारा जबरदस्त है दोस्तों। ये चेयर सब रखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत नजारा। वाह क्या नजारा है। जी हाँ दोस्तों, 20,000 लोगों को बैठने के लिए ये स्टेडियम बना हुआ है दोस्तों। बहुत ही मजा लग रहा है दोस्तों, अंदर का नजारा वाह मजा आ गया दोस्तों देख के। अभी लग रहा है कि स्टेडियम बन चुका है, और दोस्तों कुछ ही दिन में दोस्तों ये रेडी हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि 13 जनवरी 2023 से ये वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, और पहला मैच दोस्तों यहीं से ही होगा। और आप दोस्तों ये नज़ारा देख के आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कैसा लगेगा। तो इसलिए बहुत ही जल्द आप जितना जल्दी हो सके दोस्तों टिकट वगैरह खरीद लीजिए,
और यहाँ पे आके इसका आनंद उठाइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पहला मैच इंडिया वर्सेस स्पेन का यही बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इंडियन हॉकी टीम को सपोर्ट करने के लिए जरूर आइएगा और चीयर कीजिएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इंडियन टीम्स को चेयर्स तो करेंगे ही, लेकिन अभी यहाँ स्टेडियम का नज़ारा को करीबी से देखते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत। और चलिए और भी नज़दीक जाके देखते हैं, दिल नहीं मन रहा है दोस्तों मेरा। आप सबको भी दिखा देते हैं कि यहाँ का चेस का सेटिंग कैसे किया गया है, और बहुत ही नया नया चेस डाला गया है तो सुंदर लगेगा ही दोस्तों। देखिए, बैठने में बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। यहाँ दोस्तों चेयर्स वगैरह भी बहुत ही अच्छा से यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, ये देख लीजिए करीब से। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है पिच और चेयर का, पिच देख रहे दोस्तों ब्लू कलर का है और जो चेयर है दोस्तों रेड कलर, ये कॉम्बिनेशन दोस्तों इससे अच्छा और नहीं हो सकता था कोई अलग कलर में। जी हाँ दोस्तों, ये पिच बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और ये पीच जो है दोस्तों ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल लगाया गया है और इसे स्टार्टअप बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, आजकल जितने भी हॉकी स्टेडियम बन रहे हैं वहाँ पे जो पीच होता है वो आर्टिफिशियल होता है और उसको ऑस्ट्रोटर्फ भी बोला जाता है दोस्तों। दोस्तों ये पीच देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये देख लीजिए उधर ओडिशा भी लिखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, आप खुद देख लीजिए। चलिए तो चलिए दोस्तों, अब स्टेडियम की बाहर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह है। और ये दोस्तों देखिए, ये जो रूम है आपको दिख रहा है जो वाइट वाला जो कलर का है, यहाँ पे लाइट जल रहा है, ये है दोस्तों, ये लॉन्ड्री है दोस्तों। जितने प्लेयर्स आएंगे उनके लिए जो कपड़े होते हैं वो वहाँ पे लॉन्ड्री उन लोगों के लिए बनाया गया है। और ये प्रैक्टिस पिच के ही साइड में है। और ये दोस्तों लॉन्ड्री के सामने ही और एक आपको इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिखेगा, ये दोस्तों क्या है, बहुत ही दोस्तों क्यूरियोसिटी हो रहा था कि ये चीज़ एक्चुअली है क्या। तो जब हम लोग दोस्तों नज़दीक गए तो हम लोग को पता चला कि ये दोस्तों स्विमिंग पूल है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुने, स्विमिंग पूल। तो जितने भी दोस्तों जो फॉरेन प्लेयर्स आएंगे वो लोग वहीं पर दोस्तों स्विमिंग पूल में ही नहाएंगे, और उसी के सामने दोस्तों एक बिल्डिंग भी है जहाँ पर वो लोग रहेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अंदर जाते हैं और देखेंगे स्विमिंग पूल कैसे दिखाई देता है, और हमारे प्लेयर जहां रहेंगे वो 5-स्टार होटल भी आपको दिखा देंगे बाहर से। तो ये दोस्तों देखिए, ये स्विमिंग पूल है जहां पे हमारे प्लेयर्स आएंगे और नहाएंगे, को भी मज़ा दिखाई दे रहा है, बहुत ही मज़ा दोस्तों। हम लोग को तो मौका मिला ही नहीं इसे स्विमिंग पूल देखने को, लेकिन आज पहली बार इसे स्विमिंग पूल देख के बहुत ही खुश लग रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये बाहर के लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ प्लेयर्स लोग के लिए है, वही लोग यहाँ पे सिर्फ नहा सकते हैं। और ये है दोस्तों देखिए होटल जहाँ पे प्लेयर्स रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे प्लेयर्स रहेंगे और ये होटल उन्हीं के लिए ही बनाया गया है, 5-स्टार होटल। और ये वाला भी देखिए, ये बिल्डिंग भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, नाइट का नज़ारा, वाह क्या नज़ारा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टेडियम का नज़ारा इतना ही था, अब बाहर की ओर चलते हैं और जाते हैं हमारे डेस्टिनेशन तक। जैसे कि आपको पता है हम लोग BSS चौक से स्टार्ट किए थे, और दोस्तों हम लोग को पहुंचना है कहां तक, स्टैचू। तो ये दोस्तों हम लोग बाहर से अभी जा रहे हैं, और ये नज़ारा भी दोस्तों कुछ कम नहीं है, अब देख लीजिए क्या खूबसूरत नज़ारा, वाह। जी हाँ दोस्तों, नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इसका आनंद आप लीजिए। अभी बहुत ही जल्द हमारे डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे और वहां पे आपको दिखाएंगे स्टैचू का रात का नज़ारा। यहाँ दोस्तों हमारे वीडियोस में अभी तक हम लोग
स्टैचू का रात का नजारा कभी भी नहीं दिखा है, तो ये पहली बार आपको दिखाने जा रहे हैं स्टैचू का रात का नजारा। और दोस्तों इधर देखें, राइट साइड में अकंख्या हॉस्टल, यहाँ पे बच्चे, कॉलेज के बच्चे रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है दोस्तों इस हॉस्टल को भी। दोस्तों डेस्टिनेशन पहुंचने ही वाले हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, ये स्टैचू यहीं से ही दिख रहा है। वाह, ये देखिए दोस्तों रात का नजारा, गाड़ी वगैरह बहुत सारा यहाँ पे भी दोस्तों पार्किंग किया गया है, लोग आना स्टार्ट कर दिए हैं और रात को भी दोस्तों यहाँ पे फोटो उठाना स्टार्ट कर दिए हैं। सब कोई सेल्फी ले रहे हैं, कोई कोई फैमिली वाले भी फोटो उठा रहे हैं। दोस्तों अभी से इसका नज़ारा ऐसा है, तो जब कंप्लीट हो जाएगा तब नज़ारा और भी अच्छा लगेगा दोस्तों। वाह। और दोस्तों स्टैचू का दोनों साइड में वाटर फाउंटेन बनाया गया है, और ये वाटर फाउंटेन इतना ही खूबसूरत लग रहा है, क्या कहें दोस्तों। आप आकर जरूर इसका नज़ारा लें, सामने से देखें और इसका आनंद, खूब ही आनंद लीजिए दोस्तों। ऐसे लोग यहां आकर के खूब आनंद ले रहे हैं, सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। देखिए दोस्तों इस वाटर फाउंटेन को नज़दीक से देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आई लाइक इट। और इस वाटर फाउंटेन को देखिए दोस्तों, यहाँ पे पिंक कलर का लाइट लगाया गया है, और उस साइड में दोस्तों जो है राइट साइड में वो ब्लू कलर का है। दोस्तों जहाँ पे भी देखिए ये पिंक ब्लू या फिर रेड ब्लू, दोस्तों ये कलर भी चेंज होते जा रहा है, यानी कि दोस्तों ये वाटर फाउंटेन में कलर कॉन्स्टेंट नहीं है, ये चेंज होते रहता है। आप देखिए दोस्तों ये ब्लू कलर हो गया, तो दोस्तों ऐसे चेंजिंग कलर है। आप दोस्तों इसका व्यू दूसरा एंगल से भी दिखा देते हैं। दोस्तों ये स्टैचू जो है एयरपोर्ट को नज़दीक ही, यानी कि एयरपोर्ट का पास में ही है दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा। देखिए यहाँ पे लोग भी इतना भीड़ हो रहे हैं, अभी तो कंप्लीट हुआ नहीं है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों इसी को देखने के लिए बहुत ही आएंगे। और दोस्तों हमारा राउरकेला, और राउरकेला जैसे नहीं है, इसको बहुत ही स्मार्ट तरीक़ा से बनाया जा रहा है, सजाया जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों हमारे राउरकेला। जी हाँ दोस्तों, राउरकेला अब पहले जैसे नहीं रहा है, इतना सारा अच्छा अच्छा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, यहाँ पे इतना सारा ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है दोस्तों, इसको और एक साल के बाद आप पहचान नहीं पाएंगे दोस्तों ये राउरकेला है। जी हाँ दोस्तों, वाकई में राउरकेला बहुत ही डेवलप कर रहा है, और हम लोग का सौभाग्य है कि यहाँ पे हॉकी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कॉमेंट और शेयर होगी तो हम लोग का मोटिवेशन भी उसी तरह से बढ़ेगा, और आप सभी के लिए और भी बेहतरीन वीडियो अच्छा अच्छा जगह जा कर के बना सकें, क्योंकि आप सभी का प्यार और मोटिवेट जो कर रहे हैं वही हम सभी को आगे ले जाएगी, इसीलिए ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करें दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का सपोर्ट हम लोग को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और आप सभी का सपोर्ट ही हम लोग को आगे लेके जाएगी। अगर कुछ सजेशन देना है तो आप सजेशन दे सकते हैं दोस्तों, और उसी तरह आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे नए नए व्यूअर्स को ये वीडियो पहुंच पाएगी। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही जल्द और एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों नए वीडियो का इंतज़ार आपको भी रहेगा, इंतज़ार हमें भी रहेगा।